कॉम्पिटेंट पर्सन हम लोग पढ़ रहे हैं आज। कॉम्पिटेंट मतलब होता है कि मुख्य आदमी। तो मुख्य आदमी जो है वही होता है, हर काम का अलग अलग मुख्य आदमी होता है। हर आदमी हर काम का कॉम्पिटेंट नहीं हो सकता, हर आदमी हर काम का ऑथोरिटी नहीं ले सकता। इसीलिए ये हर काम में अलग अलग तरीके की क्या क्या है, टेक्निकल है, टेक्निक्स हैं, जिसके कि जिससे कि वही आदमी उस काम के लिए टेक्निक्स जानता है जो उस काम को सही तरीका से करता है। तो उस सही तरीका से कब करेगा, जब उसके पास नॉलेज होगा। नॉलेज मतलब जानकारी है, उसके पास अकल है, अकल है तो स्किल्स होगा। स्किल्स मतलब टेक्निक, जिस टेक्निक से वो करता है। ये निबोस के अनुसार हम बता रहे हैं कि निबोस ऐसे लोगों को कॉम्पिटेंट पर्सन बनाता है, ऑथराइज पर्सन बनाता है। ठीक है, सबसे पहले नॉलेज, उसके बाद स्किल्स, उसके बाद एबिलिटी। एबिलिटी का मतलब क्या है, अब आपको जो चीज वो सिखा रहा है उसको सिखाते सिखाते कहीं कोई ऐसा एक दो बंदा होता है जो उस चीज को सही तरीके से नहीं सीख पा रहा है और नहीं इंप्लीमेंट कर पा रहा है। तो उस बंदे के पास ये एबिलिटी होनी चाहिए कि वो उससे ले करके उस काम को करके दिखाए। ये एबिलिटी है उसके पास। ऐसा नहीं कि सिर्फ बताने की एबिलिटी है और करने की एबिलिटी नहीं, दैट इज नॉट अ कॉम्पिटेंट पर्सन एंड ऑथराइज्ड पर्सन। ही विल बी एबल टू डू दैट थिंग्स, डू दैट वर्क, देन ही विल बी ऑथराइज्ड पर्सन, तभी वो ऑथराइज्ड पर्सन बन सकता है। तो वो उसके पास एबिलिटी भी होना चाहिए, और एबिलिटी के बाद क्या चाहिए उसके पास, ट्रेनिंग। जिस कंपनी में काम कर रहा है उस कंपनी के द्वारा वो ट्रेंड हो उस चीज के लिए, ट्रेंड हो। तो ट्रेंड होगा कैसे, जबकि उसको ट्रेनिंग मिला होगा, है ना। ट्रेनिंग हर काम का, कंपनी आपको बता चुका हूं कि हर काम के लिए कंपनी अपना ट्रेनिंग सेंटर बना के रखा है। जो ट्रेनिंग मतलब क्या है कि 2 घंटे का 1 घंटे का आपको छोटा मोटा डॉक्यूमेंट्री दिखा करके उस कंपनी का जो सिस्टम है उसके बारे में बताना, इस काम को ऐसे करना, इस काम में ये हजार है, इस काम में यहाँ पर ये चीज यूज करेंगे, ऐसे यूज करेंगे, ये वहां के लिए बताना। तो दैट इज द ट्रेनिंग। तो वो ट्रेनिंग वो कंपनी दिया हुआ हो प्लस ट्रेंड हो, उस कंपनी का ट्रेनिंग का उसके पास पास हो। देन उसके बाद एजुकेशन। निबोस क्या कहता है, निबोस थोड़ा सा माने कि एकदम अभी माने करंट वर्जन है, इसीलिए वो क्या करता है कि थोड़ा सा एजुकेशन पर भी ज्यादा ध्यान रखता है, ठीक है ना। तो एजुकेशन भी चाहिए इसमें। आप जिस पोस्ट पे हैं उस पोस्ट के एलिवेंट आपको क्या चाहिए, रिलीवेंट आपको नॉलेज होना चाहिए, और उसके अनुसार आपको एजुकेशन होना चाहिए, तब जाके आप उस पोस्ट को पा सकते हैं, अदरवाइज नहीं पा सकते। जैसे अभी बार में ऐसा हो गया है कि आप सेफ्टी सुपरवाइजर तक आप जो है आईजीसी अगर सेफ्टी में है तो चल जाएगा, आप HSW भी चलेगा, लेकिन IGC अगर आप नहीं किए हैं तो आप सीनियर सेफ्टी और सेफ्टी सुपरवाइजर और सेफ्टी इंजीनियर और सेफ्टी मैनेजर नहीं बन सकते आप। तो अब ये मैंडेटरी कर दिया, तो अगर वो आदमी उस एजुकेशन के लायक है तभी उसको वो कंपनी ऑथोराइज करती है। तो इसमें एजुकेशन भी बहुत मायने रखता है। उसके बाद एक्सपीरियंस, आपके पास एक्सपीरियंस होगा तो ये सारा चीज अपने आप आ जाएगा, नॉलेज भी आ जाएगा, स्किल भी आ जाएगा और एबिलिटी भी आ जाएगी। कंपनी तो ट्रेनिंग देती ही है, और अगर इतना सारा चीज है तब जाके कंपनी आपको ऑथराइजेशन देती है ना, तब जाकर के आप उस काम के लिए कॉम्पिटेंट कहलाते हैं। लेकिन ओसा क्या कहता है, ओसा क्या कहता है कि ओसा चूंकि पुराना वर्जन है इसीलिए बहुत ज्यादा उसमें 4-5 चीज को ज्यादा मेंशन किया गया है कि कोई आदमी किसी भी काम को अगर करता है तो उसको करने में जो खतरा पैदा होता है उस खतरे को वो क्या करे, एग्जिस्ट कर दे, और उस खतरे से रिलेटेड जो हेजार्ड है उस हेजार्ड को वो आइडेंटिफाई कर सके, तब जाकर के वो वहां के लिए कॉम्पिटेंट बनाया जा सकता है। और भी है उसमें, और जो काम हम करते हैं उस काम को करने में आप देखिएगा कि कभी कभी क्या होता है कि एक मोटा मोटी हेजार्ड हमको लगता है कि इसमें ये हेजार्ड है और वही हेजार्ड रहता है, लेकिन करते करते कुछ नया खतरा पैदा होता है छोटा मोटा, उस खतरे का भी नॉलेज उसको हो, जिसको बोलते हैं प्रिडिक्टेबल हैजार्ड, करते करते पैदा होना, तो उस खतरे को भी वो निकाल सके, आइडेंटिफाई कर सके, और तब जाके कंपनी उसको ऑथोरिटी देती है, तब जाकर के आप उसको और उसके लायक बनते हैं, ऑथोराइज होते हैं, तब जाकर के आपको कंपनी कॉम्पिटेंट पर्सन बनाती है। तो इन सारी चीजों से आपको समझ में आ जाना चाहिए कि निबोस के अनुसार कौन कौन कैटेगरी का चीज आपके अंदर होगा, नॉलेज होगा, तो आप कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएंगे, और ओशा के अनुसार क्या क्या चीज आपके अंदर नॉलेज होगा तो आप कॉम्पिटेंट पर्सन कहलाएंगे।
इस हिसाब से जब हमें कॉम्पिटेंट पर्सन का पदवी मिल जाता है तो उस काम को करने के लिए हर जगह जहां पर भी वो काम होगा वो सारा काम करने से पहले हमें उस काम के लिए ऑथराइज किया जाएगा और हम उस काम को ऑर्गेनाइज करेंगे जैसे हमें ट्रेनिंग दिया गया है, जितना हमें नॉलेज है। तो इस हिसाब से हम जानते हैं कि कॉम्पिटेंट पर्सन क्या होता है और कॉम्पिटेंट पर्सन किस तरह से किसी काम को ऑर्गेनाइज करता है और उसको सुरक्षित और क्वालिटी से भी काम करके कंपनी को देता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कॉम्पिटेंट पर्सन के बारे में जानते हैं। थैंक यू। आज का ये जो हमारा टॉपिक था जो कॉम्पिटेंट पर्सन, ये इतना ही इसके लिए काफ़ी है। ठीक है, ओके, थैंक यू। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, आपकी उड़ान ही हमारी पहचान है। अगर आप में हुनर है तो ही आपकी कदर है, और युवाओं को हुनरमंद बनाने की हर संभव कोशिश टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के द्वारा जारी है। तो करिए अपने उज्जवल भविष्य की तैयारी टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग के साथ। इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे शॉर्ट टर्म सर्टिफाइड ट्रेनिंग कराए जाते हैं, जैसे कि PLC एंड SCADA प्रोग्रामिंग, इंस्ट्रूमेंट इंजीनियर, इंस्ट्रूमेंट टेक्नीशियन, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन, HVAC इंजीनियर, HVAC टेक्नीशियन, BMS टेक्नीशियन, BMS ऑपरेटर, CCTV टेक्नीशियन, फायर अलार्म टेक्नीशियन, सेफ्टी ऑफिसर, नीबोश, क्रेन एक्सकवेटर और JCB ऑपरेटर। ये सभी टेक्निकल कोर्सेज रोजगार के अवसर प्रदान करते हैं। टेक्नो इंस्टीट्यूट में 100% हैंड्स ऑन प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और 100% प्लेसमेंट भी दिया जाता है। आज टेक्नो के छात्र देश विदेश के बहुत सारे कंपनी में कार्यरत है। टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग गवर्नमेंट रजिस्टर्ड, ISO सर्टिफाइड और अंतरराष्ट्रीय मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूट है। हमारे यहाँ स्मार्ट क्लासरूम, क्वालिफाइड फैकल्टी, थ्योरी एंड प्रैक्टिकल क्लास, हॉस्टल की सभी सुविधा है, जिससे बच्चे अपने कैरियर की तैयारी शानदार तरीके से करते हैं। हम उचित काउंसलिंग के जरिए युवाओं को मोटिवेट भी करते हैं। तो देर किस बात की, ज्वाइन करें। हमारा पता, टेक्नो इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्निकल ट्रेनिंग, मानगो, जमशेदपुर, झारखंड।